So welcome students, you are most welcome to All Rounder BSS online coaching. तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के बारे में जो है आपका नाइन्थ का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर साइंस जो आपका है विज्ञान वाला जो कॉन्सेप्ट उसको स्टार्ट कर रहे हैं. अब उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर. कौन सा चैप्टर है? फोर्स एंड प्रेशर. बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर को अगर हम जैसे अगर इसकी मैं हिंदी लिखूं, क्योंकि बच्चे हिंदी वाले भी साथ में हैं, तो इसको विज्ञान कहा जाता है साइंस को, एंड फोर्स एंड प्रेशर को कहा जाता है बल एवं दाब. इस चैप्टर के बारे में हम जानने वाले हैं. लास्ट ईयर भी कोचिंग स्टार्ट की थी, उस समय मैंने सबसे पहला चैप्टर ये स्टार्ट किया था. इस साल भी मैं यही चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं. आपके लिए खुशखबरी है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंड्रॉइड का ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया गया है. उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल सकता है, तो जाकर इंस्टॉल कीजिए और फ्री में उसको यूज कीजिए. ओके, तो आज हम जो बात कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, ये क्या होता है, इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, सारी जानकारी आज आपको बताऊंगा. तो अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. चलिए, सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो होगी फोर्स के बारे में. किस चीज के बारे में? फोर्स, जिसको बल कहा जाता है. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फोर्स के बारे में जानने वाले हैं. अब फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी होती है, जिसके तहत किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स पड़ा है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स यहां पर पड़ा है. अब ये बॉक्स है यहां पर और इस स्थिति को मैं कहता हूं ए. अब मैं इस बॉक्स को ए से उठाकर बी पर, यहां पर बी है मान लीजिए, इस बी पर मैं इस बॉक्स को लाना चाहता हूं. तो जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर बल का उपयोग नहीं करूंगा, तो ये वहां का वहां रहेगा. इसकी स्थिति ए की ए ही रहेगी, ये अपनी स्थिति से हिल नहीं सकता. तो इसको अपनी स्थिति को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है. अब एक व्यक्ति आता है और वो फोर्स का इस्तेमाल यहां पर करता है. अब फोर्स का इस्तेमाल कितने प्रकार से हो सकता है, आपने नाम सुना होगा. एक तो होता है पुल, पुश, ऐसी कुछ एक्टिविटीज का नाम आपने सुना होगा. पुल, पुश, ऐसी और भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम फोर्स का यूज करते हैं. तो यहां पर भी वो व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को और आगे फोर्स के माध्यम से, फोर्स का इस्तेमाल करता है और उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी पर लेकर आता है. तो इस पूरी प्रोसेस को फोर्स कहा जाता है. यहां पर फोर्स का इस्तेमाल होता है. ओके, अब आपने न्यूटन का नाम सुना होगा. न्यूटन जी ने एक खोज की थी और उस खोज के लिए आज हर व्यक्ति उनको जानता है. वो था गुरुत्वाकर्षण बल. क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके बारे में हम और आगे जानने वाले हैं. तो जो फोर्स है, इस फोर्स की यूनिट क्या है, इस फोर्स की इकाई क्या है, वो जान लेते हैं.
अब एक बात बताऊं, आप अगर यूएसए में हैं, आप अगर इंडिया में हैं, तो एक फर्क आता है। भारत में हम मनी जो होती है, मनी, उसको हम रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपी, रुपया कहते हैं। लेकिन यूएसए में मनी को डॉलर कहा जाता है। अब क्यों भाई ऐसा? क्योंकि ये इसकी यूनिट है, इकाई है, कि भाई हम रुपयों को क्या मानते हैं, किसके साथ उसको गिना जाता है। तो यूएसए में उसे डॉलर के साथ गिना जाता है, लेकिन भारत में उसे रुपयों के साथ गिना जाता है। कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं भारत की मुद्रा की बात कर रहा हूं, भारत की यूनिट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 डॉलर है, तो मैं यूएसए की बात कर रहा हूं, या फिर उन कंट्रीज की बात कर रहा हूं जहां पर मनी को डॉलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जो फोर्स होता है, आप उसे कैसे चेक कर सकते हो कि कितना फोर्स है? मैं इस मार्कर को एक तो फेंकता हूं ऐसे, एक जोर से फेंकता हूं, तो आप खुद जानते हो कि जब मैंने धीरे से फेंका तो फोर्स का इस्तेमाल मैंने कम से कम किया। लेकिन अगर मैं उसको बड़े स्पीड के साथ फेंकता हूं, मतलब कि मैंने फोर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो मैंने कितना फोर्स का इस्तेमाल किया उसको चेक करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। उन यूनिट्स को, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की यूनिट्स है, तो अब वो कौन कौन सी है वो आप लिख दीजिएगा। जैसे मैं फोर्स की यूनिट की बात करता हूं, फोर्स, या इसको बल कहा जाता है। अब देखिए यूनिट्स यहां पर दो प्रकार की हैं, एक तो है सीजीएस यूनिट और एक है इंटरनेशनल, जो एसआई यूनिट होती है वो। अब ये क्या होती है? सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, मतलब कि एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर सेंटीमीटर हो, ग्राम हो, सेकंड हो, उसे सीजीएस की यूनिट कहा जाता है। और जो ये है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर बार पूछा भी जाता है कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स की इंटरनेशनल यूनिट क्या है, तो यहां पर गलती कर देते हो। अब देखिए फोर्स की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर एक यूनिट रखी गई फोर्स की, जो इंटरनेशनल यूनिट है। तो फोर्स की इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन, इसको एन लिखा जाता है। बड़े वाला एन जो होता है वो एन फोर्स की इंटरनेशनल यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है। अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसकी यूनिट होगी डाइन। क्या होगी? डाइन, डी वाई एन ई, डाइन। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, फोर्स मतलब कि जो बल होता है उसकी इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन, एंड सीजीएस की यूनिट होगी डाइन। अब एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यह भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं। अब आपको जानकारी होगी, अब क्या जानकारी होगी कि न्यूटन, या फिर अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो सबसे पहले एक फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है मास इंटू एक्सलरेशन। अब ये क्या होता है? मास, मास का मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, मास गुणा एक्सलरेशन। ओके, तो मास को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और एक्सलरेशन को कहा जाता है इसको द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसको कहा जाता है हिंदी में। ओके, तो फोर्स को क्या कहा जाता है? बल।
तो जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। ये हो गया। अब जो मास होता है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको अभी दो चीजें बताई थी कि एक तो होती है SI यूनिट, एक CGS यूनिट, एक और यूनिट होती है जिसको कहा जाता है MKS यूनिट, जिसके अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। तो SI यूनिट जो होती है इंटरनेशनल यूनिट, CGS के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एक होती है MKS जिसके अंदर मीटर, किलोग्राम, सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो किलोग्राम है ये मास की ये वाली यूनिट है। कौन सी? MKS यूनिट, MKS यूनिट है। ओके, फिर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो अब ये क्यों आई? क्योंकि आपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा जिसको वेग कहा जाता है। वेग की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है वेलोसिटी के अंदर समय का भाग। दे दो, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। इसके अंदर दिया भाग तो क्या आ गया? पहले तो था मास, सॉरी मीटर पर सेकंड, और उस पर सेकंड के अंदर हमने सेकंड का और दिया भाग, तो सेकंड एंड सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बन जाता है। ओके, तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स में क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको सेकंड का माइनस टू भी लिख सकते हो, सेम बात है। आप चाहो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखो, आप चाहो तो मीटर पर सेकंड माइनस का स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ये जो यूनिट है ये CGS में अभी तक नहीं आई है, हमें इसे CGS में कन्वर्ट करना है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? तो वन किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू, ये भी सही है, या फिर वन किलोग्राम मीटर सेकंड, सॉरी ये मीटर हो गया, मीटर के नीचे सेकंड का स्क्वायर, दोनों सेम है। तो वन न्यूटन इज इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस का टू। ओके, लेकिन अब ये हम चाहते हैं CGS में कन्वर्ट करना, तो CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक CGS में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसीलिए वन किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। तो इसको हम लिख देते हैं 1000 ग्राम। अब ये CGS में कन्वर्ट हो चुका है। मीटर, मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और ये S है तो ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, तो ये सेकंड का स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1000 × 100 कितना हो गया? ये 1000, ये इंटू में 100, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10000 लाख। तो 1 लाख सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर,
ओके, तो अभी मैं 1 न्यूटन की बात कर रहा हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1,00,000 cm² per second². इसको मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 cm² per second². मैं साफ साफ लिखवा देता हूं, लिख दीजिएगा, फिर ये मत कहना कि बताया नहीं, ये क्वेश्चन हर बार पूछे भी जाते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर या फिर इसको आप लिख सकते हो 100 किलोग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब क्यों किया, क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी सेम ही है क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मीटर तो मीटर ही है लेकिन इसको मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, तो ये भी सही है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर मैंने क्या बताया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 100 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अब मैं मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 1,000 × 100 cm³/s² ओके, ये हो गया। तो कुल मिलाकर 1,00,000 cm³/s² कुल मिलाकर 10^5 cm³/s² और इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अगर मैं बात करूं कि 1 न्यूटन में कितने 1 न्यूटन इज इक्वल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। डाइन की जो यूनिट है, अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो डाइन की यूनिट को खोलते हैं तो क्या आता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है 1 डाइन। आपसे पूछा जा सकता है 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, तो 1 cm³/s² = 1 डाइन। अगर 1 न्यूटन पूछा जाए तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = 1 न्यूटन। ओके, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू 1/10^5 न्यूटन या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। अब ये क्यों आया, क्योंकि यही चीज है, मैंने इस 5 वाले को ऊपर लिया और जैसे मैं ऊपर लेता हूं तो ये माइनस में हो जाता है, बस इतना चेंजेस होता है, तो 10^-5 न्यूटन। ओके, ये हो गया। अब बताइए, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 3 यूनिट होती हैं, SI, MKS, CGS। इसका कोई मतलब अभी यहां पर नहीं है क्योंकि कोई नहीं पूछता, मोस्टली ये पूछते हैं CGS और ये वाली। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स में, फोर्स की जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, लिख दीजिएगा, एंड CGS की यूनिट होती है डाइन। एक जो होता है डाइन, इसकी
इकाई होती है सेंटीमीटर, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी होती है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना सा आपको याद रखना है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? फोर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? आइए हम फोर्स की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं। दो प्रकार के, पहला प्रकार कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को कहा जाता है संपर्क बल, संपर्क बल। नॉन कॉन्टैक्ट को कहा जाता है असंपर्क बल, असंपर्क बल। ओके, तो यहां पर जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स, ऐसा बल जिसको पूरा करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को छूना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क होना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इस मार्कर, ये मार्कर यहां पर पड़ा मेरे हाथ के ऊपर, अब मैं इस मार्कर की स्थिति, क्योंकि मैंने क्या बताया फोर्स का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी प्रोसेस जिसके तहत किसी भी वस्तु की पोजीशन को चेंज किया जाता है, उसे फोर्स कहा जाता है। अब अगर मैं इस मार्कर की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाने के लिए मुझे इसको छूना पड़ेगा, चाहे मैं हाथ से छू या किसी और चीज का इस्तेमाल लू, कुछ भी करूं, इसे छूना पड़ेगा। बिना छुए मैं इसको हिला नहीं सकता। तो ऐसा फोर्स जिसको कंप्लीट करने के लिए हर हालत में हमें उस चीज को छूना पड़ता है, उस चीज के साथ संपर्क करना पड़ता है, दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। वह बल संपर्क बल कहलाता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक बताया था, एक बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स को पोजीशन ए से बी तक लेकर जाना है। एक व्यक्ति अगर ऐसे ही खड़ा है, मान लो उसके हाथ अभी तक इसके ऊपर नहीं पहुंचे हैं, तो वो इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसकी पोजीशन अगर उसको बदलनी है, परिवर्तन करना है, तो उसके हाथ पहुंचेंगे, छुएंगे, फोर्स का इस्तेमाल होगा, तो ही उसकी पोजीशन चेंज होगी। इस प्रकार के जो फोर्सेज होते हैं उनको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसके उल्टे होते हैं, जिनमें किसी प्रकार के संपर्क की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैग्नेट, जो चुंबक होती है, आपने देखा होगा, अगर यहां पर आप ये मान लीजिए कि एक लोहे की चीज पड़ी है, आप उससे थोड़ा सा दूर एक चुंबक रख दीजिए, तो बिना उस लोहे की चीज को छुए ही आप उस लोहे की चीज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं उस चुंबक के साथ। तो डेट फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, असंपर्कीय बल वो कहलाता है। ओके, तो अब हम कॉन्टेक्ट फोर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। पहला कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्कीय बल या संपर्क बल, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर दो प्रकार के हैं। सबसे पहला मस्क्यूलर फोर्स, कौन सा? मस्क्यूलर फोर्स, जिसे हम मांसपेशीय बल भी कह सकते हैं या फिर पेशीय बल कह सकते हैं, पेशीय बल, जिसको मस्क्यूलर फोर्स कहा जाता है। एंड जो दूसरा होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको घर्षण बल कहा जाता है, घर्षण। ये दो जो फोर्स होते हैं इनको कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है, कि ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी दो प्रकार हैं, मस्क्यूलर फोर्स एंड
फ्रिक्शनल फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स जो नाम है इसी से हमें पता चल रहा है कि जिस किसी फोर्स को इस्तेमाल के लिए हमें मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मस्कुलर बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। हमें एक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, मसल्स की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब जिस किसी चीज के बीच में फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स उत्पन्न हुआ है, जिस फोर्स का यूज हुआ है, उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। आपको जानते हो कि अगर मैं आप जो भी हैं पृथ्वी के ऊपर आराम से घूम रहे हैं, बह रहे हैं, एक इसका कारण है फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई स्मूथ है, कोई एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर आप जहां पर रहते हो अगर फर्श के ऊपर वाटर है, अगर पानी पड़ा है, तो आपसे कहा जाता है बेटा पानी में मत जा वरना गिर जाएगा। तो वहां पर क्यों तुम गिरते हो? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है, वहां पर जो फर्श होता है वो स्मूथ हो जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही आपका कांटेक्ट फर्श के साथ रहता है, आपके और फर्श के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है, और उसके कारण आप उस फर्श के ऊपर आसानी से घूम पाते हो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो या उसके आसपास हो जाए तो आप उस फर्श के साथ फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न नहीं कर सकते और आप गिर जाते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स उसी को कहा जाता है जो दो बॉडीज के बीच में होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, और जो घर्षण जो उनके बीच में होता है उसके कारण उत्पन्न होता है, और उनको सहायता भी मिलती है, और कहीं कहीं इससे लॉस भी होता है। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम तो ये आज का वीडियो मैं यहीं पर पूरा करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है वो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जाकर इंस्टॉल कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा ऐप है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। धन्यवाद।